दोस्तों आप सभी का बहुत 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 स्वागत है डीटीएच हेल्प वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे आप रिचार्ज वाले टीवी चैनलों को देख सकते हैं एक एलएनबी लगाकर। अगर आपको मालूम है सी बैंड एलएनबी के बारे में तो भी इस वीडियो को देखिएगा। हम आपको बताएंगे सबसे सस्ता और सबसे अच्छा एलएनबी आपके लिए कौन सा रहेगा कि छोटी डिश पर भी आप लगा लें तो आपके पास सारे रिचार्ज वाले टीवी चैनल देखने को मिलें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों हम अपने दो लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबरों को देंगे बिल्कुल फ्री में फुल एचडी वाला सेटअप बॉक्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से लेकर। तो इसीलिए एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आज हमारे पास सॉलिड कंपनी का एक बेहतरीन सी बैंड की सिंगल एलएनबी है और मॉडल नंबर है CB1 17K की एलएनबी है। 17K की एलएनबी दोस्तों काफ़ी हार्ड होती है और काफ़ी अच्छे सिग्नल ये खींचती है। दोस्तों 12K की होती है वो थोड़ा कम खींचती है और 10K की होती है तो वो तो साफ ही बेकार होती है। तो दोस्तों ये 17K की एलएनबी है और काफ़ी वीक भी सिग्नल को बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको खींच के आपके पास चैनल को चलाती है। तो दोस्तों ये फुल एचडी 1080p वाली एलएनबी है और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सॉलिड कंपनी का ये जो पैकिंग है कुछ इस प्रकार का आता है। और इस पैकिंग में दोस्तों जब हम इसे खोलते हैं तो आपको एक एलएनबी मिल जाता है और यहाँ पे दोस्तों एक तावा मिल जाता है। अब ये क्या है तावा इसके बारे में मैं आपको बताएंगे। यहाँ पे एलएनबी मिल जाती है, इसके स्क्रू वगैरह मिल जाते हैं। डब्बे को दोस्तों साइड में रखते हैं और यहाँ पे हम आपको एलएनबी को दिखाते हैं। दोस्तों ये एलएनबी होती है जैसा कि आप सभी को मालूम है, यहाँ पीछे एक वायर है, एंटीने का वायर यहाँ पर लगाया जाता है। बाकी दोस्तों ट्यून करके आप आसानी के साथ इसे लगा सकते हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपनी डिश में लगाएंगे इस एलएनबी को और थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्यून करेंगे आपके पास सिग्नल आ जाएगा। सी बैंड के एलएनबी पे आपको बहुत सारे चैनल देखने को मिलते हैं, जैसे सहारा के चैनल मिल गए और भी बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे केस में एलएनबी हर एक सेटेलाइट की अलग अलग टाइप में आपको एंटीने में लगाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग इसके फीचर देख लीजिए। इस सी बैंड की एलएनबी के पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा क्लियर मैं कर दूँ आप लोगों को दिखा दूँ। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आगे आपको फिल्टर लगा हुआ है और इस फिल्टर को लगाए रहना है, नहीं तो दोस्तों इसके अंदर पानी जाएगा तो इसकी कॉइल ख़राब हो जाएगी, जिससे आपकी एलएनबी ख़राब हो जाएगी अगर जंग पकड़ लेगा तो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये सी बैंड की एलएनबी एकदम पूरे मुट्ठे भर में आ रही है हमारे, और काफ़ी बेहतरीन ये सी बैंड की एलएनबी होती है। और इस सी बैंड की एलएनबी से दोस्तों आप एसीएस एट 105 डिग्री ईस्ट, 100 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट, 83 डिग्री ईस्ट जैसी सैटेलाइटों को ट्रैक कर सकते हैं। अब ये दोस्तों इसका है फीड हॉर्न। दोस्तों अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो हमारे सिग्नल जहाँ पे हमें 60% मिल रहे हैं वहाँ पे 15% या 10% ही मिलेंगे। तो इसको लगाने से हमारी डिश में सिग्नल जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर आपके पास KU बैंड की डिश है तो एक कटोरी जैसा आता है वो लगेगा। अगर आपके पास सी बैंड की डिश है तो यही वाला लगेगा। तो मैं तो अपने सी बैंड की डिश पे लगाने के लिए इसे लाया हूँ। अब दोस्तों ये मिलेगा कितने का? दोस्तों 350 में हमने ख़रीदा है, लेकिन दोस्तों आपके केस में हो सकता है 450 या 500 के अंदर ही आपको मिल जाए। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसकी और अधिक जानकारी चाहिए या ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है, आप जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में दोस्तों शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।